बिहार में तो गठबंधन संभल नहीं रहा, दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने। किस सोच के साथ गए हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई? विपक्ष में कई और ऐसे बड़े दल हैं, कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास, कांग्रेस की बात कर लीजिए भैया, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, 200 से ज़्यादा विधायक हैं। अखिलेश जी की बात कर लीजिए, 125 विधायक हैं। केजरीवाल जी जिनकी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 150 विधायक हैं। तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा, एक चीज़। दूसरा, क्या विजन है इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा, जो जलते हुए बिहार को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली गए हैं, उनसे यहाँ बगल में शास्त्री नगर तो जाया नहीं जाता, जहाँ पे लोग आगजनी से आज की तारीख में बेघर होके सड़कों पर बैठे हुए, वहाँ पर उनसे उनके हालात पूछने के लिए इनसे जाया नहीं जाता। बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, किस मॉडल के साथ ये जा रहे हैं? भ्रष्टाचार का मॉडल लेके जा रहे हैं कि अपराध का मॉडल लेके जा रहे हैं, या जहरीली शराब से होने वाली हत्याओं का मॉडल लेकर जा रहे हैं? किस मॉडल के साथ ये जाएंगे केंद्र की राजनीति में? बिहार में इन्होंने आज तक किया क्या है भाई? आज तक आज़ादी के 75 साल के बाद अगर बिहार अभी भी पिछड़ा है तो इसमें इन्हीं के ही तो गठबंधन का श्रेय जाता है ना। आज बिहार में जिस गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन जिसको ये लोग बोलते हैं भाई, 32 सालों से तो इन्हीं लोगों की सरकार है, 90 के दशक से तो यही लोग शासन में सत्ता में है। जब 32 सालों में ये लोग बिहार का विकास नहीं कर पाए तो आज किस सोच के साथ और किस मुंह के साथ ये जाएंगे देश में बताने कि भैया हमने क्या किया है बिहार में कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी उन चीज़ों को लागू करेंगे। तो बहरहाल, वैसे भी विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है, जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे देश क्या उम्मीद रखेगा? क्या लगता है कि नीतीश कुमार पीएम का उम्मीदवार बन पाएंगे? असंभव है भाई, असंभव है, किसी कीमत पे नहीं, सात जन्म में नहीं। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनसे बिहार नहीं संभला, जो ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? बिहार का शिक्षक नियमावली बना है जो नया, उनका भी विरोध शुरू हो गया है, क्या करेंगे भाई? दिक्कत ये है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बिहार में नीतियां बनाई ही नहीं जाती हैं। जिन लोगों की के लिए आप नीतियां बनाते हैं, ना उनसे कभी राय मशवरा किया जाता है, ना उनसे पूछा जाता है। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार की हर नीति विफल होती है, धरातल पर उतर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कभी इन्होंने किसी से राय मशवरा, और ख़ास तौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कभी इन्होंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। आपको महागठबंधन से ऑफर आया है, महागठबंधन क्या भाई? इसमें कुछ नहीं कहना, हमारी प्राथमिकता क्लियर है इस बात में। हमेशा हम लोगों ने कहा है कि चुनाव के वक्त गठबंधन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग की प्राथमिकता पार्टी का संगठन, पार्टी के जनाधार को और मजबूत करना, और उसी सोच के साथ फिलहाल